हेलो कमांडोस वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन और हम लोग बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में तो सीएफटी में हम लोगों ने कुछ हिस्सा पढ़ लिया था इसका तो एक बार फिर से सीएफटी को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं हैंस बेथे और वैन ब्लिक ने दिया था ये कॉन्सेप्ट हैंस बेथे और वैन ब्लिक ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी और सीएफटी इज मेनली यूज्ड टू एक्सप्लेन द कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीएफटी का यूज जो है वो कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड को स्टडी करने के लिए हम करते हैं इसके बाद हमने आपको बताया कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है क्रिस्टल्स जो होते हैं आयोनिक नेचर के होते हैं जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो आयोनिक कोऑर्डिन आयोनिक टाइप के होंगे ऐसा मतलब आयोनिक टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन हम इससे करते हैं ठीक है और इसने ये कहा कि जो लिगेंड्स हैं वो नेगेटिव चार्ज होंगे या न्यूट्रल होंगे नेगेटिव चार्ज होंगे तो पॉइंट चार्ज और अगर न्यूट्रल हैं तो पॉइंट डाइपोल होंगे और ये सेंट्रल मेटल को सराउंड करते हैं चारों तरफ से और सेंट्रल मेटल कैसा होगा पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि जो कि पॉइंट चार्ज या पॉइंट डाइपोल से सराउंडेड होगा पॉइंट चार्ज या पॉइंट डाइपोल से सराउंडेड होगा ठीक है अरेंजमेंट अरेंजमेंट अराउंड द लिगेंड्स आर अरेंज अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम एट द पोजीशन ऑफ मिनिमम रिपल्शन वहां पर अरेंजमेंट होगा लिगेंड का जिससे रिपल्शन फोर्स कैसा हो मिनिमम हो और आसानी से वो जोमेट्री एक पर्टिकुलर जोमेट्री बन जाए क्रिस्टल के लिए ठीक है और दो टाइप के फोर्सेस यहाँ पे काम करते हैं दैट फोर्सेस आर अट्रैक्टिव फोर्सेस तो अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ पे काम कर रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस वर्क बिटवीन द लीगेंट एंड सेंट्रल मेटल एटम या आयन पर जो चार्ज है सेंट्रल मेटल एटम आयन का चार्ज और लीगेंट के बीच जो फोर्स काम कर रहा है वो कैसा है अट्रैक्टिव फोर्स है अब दूसरा जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग है ना तो रिपल्सिव फोर्स तो रिपल्सिव फोर्स कैसे लगता है लिगेंड कैरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एंड देयर इज सम इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल एटम में भी कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं तो जब सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड को अट्रैक्ट करता है तो लिगेंड जब आएंगे तो डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड के बीच रिपल्शन होगा और इस रिपल्सिव फोर्स के कारण एनर्जी बढ़ती है एनर्जी बढ़ेगी तो डी ऑर्बिटल अपने ओरिएंटेशन के बेस पर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा द डी ऑर्बिटल्स आर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स दैट इज टी2जी एंड ईजी इट इज बेसिक्स ऑन द ओरियंटेशन जैसा मैंने आपको बताया था कि तीन डी आरबिटल जो होते हैं डी एक्स बाई डी जेड और डी इट ओर दिटवीन द एक्सेस होते हैं जबकि दो कॉमन एक्सेस पर ओरियंट होते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी साड स्क्वायर तो कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग ये अलग अलग टाइप में स्प्लिट हो जाते हैं दैट इज टी टू जी थ्री फोल्ड डी जनरेटेड एंड टू फोल्ड डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और ये स्प्लिटिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का तो स्प्लिटिंग क्यों हुआ बस ये ध्यान रखना है किसके कारण द लिगेंड लिगेंट कैरिंग्रॉन सम इलेक्ट्रॉन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे रिपल्शन बढ़ जाएगा जैसा मैंने आपको फिर बताया था कि जब हम ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कॉमन एक्सेस वाले ऑर्बिटल कॉमन एक्सेस वाले ऑर्बिटल के लिए रिपल्शन ज्यादा होता है और उस रिपल्सिव फोर्स के बढ़ने के कारण क्या होता है वो दो हायर एनर्जी के हो जाते हैं और टी टू जी जो है लोअर एनर्जी होता है टी टू जी लोअर एनर्जी होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर टी टू जी इज द लोअर एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे इसका फॉर्मूला क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का माइनस पॉइंट फोर इन एक्स प्लस पॉइंट सिक्स इंटू वाइ जहां पे एक्स क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग मोलिक्यूल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दू टू जी एंड वाई इज वॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ईजी वाई इज वॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इजी और अभी तक मैंने आपको स्ट्रोंग फील्ड लिगेंट्स के बारे में स्ट्रोंग फील्ड लिगेंट्स के सभी सेट पर काम करा दिया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट के लिए हम लोगों ने सी एफ एस ई की वैल्यू निकाल लिया था सभी कंडीशन में डी वन डी टू से लेकर के डी टेन तक की सभी कंडीशन में ठीक है अब हम लोग बात करते हैं वीक फील्ड लिगेंट के बारे में वीक फील्ड लिगेंड के जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो कैसे होंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे केवल एक बात ध्यान रखना है यहां पर जो चौथा इलेक्ट्रॉन आया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन था वो पेयरिंग में इन्वॉल्व हो गया था पेयरिंग होने के बाद पहले छह इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी उसके बाद सेवंथ इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजी में एंट्री करेगा लेकिन वीक फील्ड लिगेंड में जो है बैकबॉन्डिंग का केस नहीं होता है तो यह हंड्स रूल के अकॉर्डिंग जाएगा मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन पहले पांचों आर्बिटल में जाएंगे और उसके बाद तब इलेक्ट्रॉन पेयर होना शुरू होंगे केवल इतनी सी बात यहां पे ध्यान रखना है ठीक है तो बात करते हैं मेटल आयन कॉन्फिगरेशन मेटल आयन कॉन्फिगरेशन मेटल आयन कॉन्फिगरेशन और वीक फील्ड लीगेंट वीक वीक फील्ड लीगेंट मेटल आयन कॉन्फिगरेशन इसके बाद वीक फील्ड लीगेंट तो वीक फील्ड लीगेंट अब का अब वीक फील्ड लीगेंट का मतलब है जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे सीधे सीधे हम कह सकते हैं वीक फील्ड लीगेंट वीक फील्ड लीगेंट मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और उसके लिए स्प्लिटिंग की वैल्यू स्प्लिटिंग की वैल्यू कितनी आएगी तो उसकी बात करेंगे अब चलिए वापस से आ जाते हैं अगर कॉन्फिगरेशन कैसा है t2g टू जी मतलब डी वन का कॉन्फिगरेशन है डी वन एक इलेक्ट्रॉन है तो टी टू जी के लिए ही बात कर रहे हैं हम लोग टी टू जी और ई जी तो टी टू जी में कितना आया वन अब फॉर्मूला क्या है तो एक बार फॉर्मूला भी लिख लेते हैं माइनस पॉइंट फोर इंटू एक्स प्लस पॉइंट सिक्स इंटू वाई ये हमारा फॉर्मूला है ठीक है अब देखिए डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वन तो पॉइंट फोर इंटू वन पॉइंट फोर इंटू वन टी टू जी में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये कितना हो जाएगा पॉइंट फोर इंटू वन और इजी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पॉइंट सिक्स इंटू जीरो आ जाएगा इज द आंसर आंसर गया माइनस पॉइंट फोर और फोर डेकाकुल भी इसको हम कह सकते हैं माइनस पॉइंट फोर और फोर डी क्यू ठीक है अब देखते हैं अगर ये डी टू का कॉन्फिगरेशन होगा तब क्या हो जाएगा टी टू जी के पास होंगे दो इलेक्ट्रॉन और इस कंडीशन में भी ई जी के पास जीरो इलेक्ट्रॉन तो आंसर कितना आ जाएगा देखो टी टू जी तो पॉइंट फोर इंटू टू और यहाँ पे पॉइंट सिक्स इंटू वाई की जगह क्या आ जाएगा जीरो तो कितना आ गया माइनस पॉइंट एट आ जाएगा माइनस पॉइंट एट डी क्यू एट डी क्यू भी आप लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब अगर डी के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो t2g की कंडीशन सॉरी t2g की कंडीशन क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स की t2g के पास कितने इलेक्ट्रॉन है तीन इलेक्ट्रॉन है और eg के पास अभी कितने हैं जीरो इलेक्ट्रॉन है तो अब देखिए 0.4 3 0.4 3 और eg में कितने हैं जीरो तो 0.6 0 तो वो जीरो हो जाएगा कितना आ जाएगा आंसर -1.2 अब यहां पे अगली बात जो है वो यहाँ पे ध्यान रखना है डी फोर के केस में जब वीक फील्ड लिगेंड होगा इन केस वीक फील्ड लिगेंड इज एंट्री इन इजी ऑर्बिटल तो चौथे इलेक्ट्रॉन की एंट्री कहां पे होगी इजी ऑर्बिटल में हो जाएगी तो टी टू जी का केस हुआ थ्री का टी टू जी के पास आया तीन और इजी के पास आया सॉरी इजी के पास आया एक ठीक तो कितना हो जाएगा अब आंसर देखो पॉइंट फोर इंटू थ्री तो वन पॉइंट टू पॉइंट सिक्स इंटू वन तो कितना बचेगा ओवरऑल माइनस पॉइंट सिक्स बचेगा माइनस ले पॉइंट D5. तो डी फाइव में क्या होगा टी टू जी के पास आ जाएगा तीन प्लस इजी के पास आ जाएगा दो इजी के पास आ गया दो पॉइंट पॉइंट फोर इंटू थ्री वन पॉइंट टू पॉइंट सिक्स इंटू टू तो पॉइंट टू प्लस माइनस वन तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा दैट टाइम आंसर इज जीरो ठीक है अब ये हो गया फिफ्थ इलेक्ट्रॉन तक ठीक अब जब सिक्स इलेक्ट्रॉन होगा जब कॉन्फिगरेशन होगा d6 तो t2g के पास आएगा तीन और एक चार t2g के पास आ जाएगा चार इलेक्ट्रॉन t2g की कंडीशन किस पे पहुंच जाएगी फोर इलेक्ट्रॉन पर T2G टू जी आ टी टू जी के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे टी टू जी टी टू जी के पास होंगे फोर इलेक्ट्रॉन और इजी के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं दो इलेक्ट्रॉन हैं तो कंडीशन पॉइंट फोर इंटू फोर तो माइनस पॉइंट फोर इंटू फोर तो वन पॉइंट सिक्स आ गया वन पॉइंट सिक्स और उधर से कितना आ रहा है पॉइंट सिक्स इंटू टू प्लस पॉइंट सिक्स इंटू टू तो वन पॉइंट टू तो कितना बचेगा माइनस पॉइंट फोर कितना माइनस पॉइंट फोर आ जाएगा, जाएगा ठीक है डी सेवन डी सेवन की कंडीशन पे टी टू जी के पास कितने आ जाएंगे फाइव और ई के पास कितने आ जाएंगे दो तो कितना आ गया फाइव इंटू फोर तो आ गया टू माइनस टू और 1.2 तो कितना आ जाएगा 0.8 एट माइनस पॉइंट आ जाएगा कितना आ जाएगा माइनस पॉइंट अब इसके बाद d8 d8 की कंडीशन में क्या हो जाएगा t2g पूरा का पूरा अब फिल हो गया सिक्स और इजी के पास कितने आ जाएंगे ezy के पास कितने आ जाएंगे दो दो आठ तो पॉइंट फोर इंटू सिक्स तो टू पॉइंट फोर माइनस का और दो इलेक्ट्रॉन तो वन पॉइंट टू प्लस का तो कितना बचेगा माइनस वन पॉइंट टू ठीक है डी नाइन की कंडीशन पे क्या आ जाएगा टी टू जी के पास सिक्स और ई के पास थ्री ई के पास थ्री ठीक है तो कितना आ गया पॉइंट फोर तो माइनस टू पॉइंट फोर और ये सिक्स इन थ्री तो प्लस वन पॉइंट एट तो डिफरेंस नंबर कितना बचेगा अट्ठारह छह चौबीस माइनस पॉइंट सिक्स का डिफरेंस नंबर बचेगा D9 पे, और D10 पे कितना आ जाएगा T2G के पास आ जाएंगे 6, और EZ के पास भी अब आ जाएंगे चार तो फोर इंटू सिक्स तो माइनस टू पॉइंट फोर और इजी के पास भी चार पॉइंट सिक्स इंटू फोर तो माइनस प्लस टू पॉइंट फोर तो आंसर फिर से कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा दैट टाइम आंसर इज अगेन जीरो तो दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो इंपॉर्टेंट है इस पर आपको काम करना है इसको ध्यान भी रखना है ठीक है अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर तो अगले अब कुछ हमारे जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको हम वन बाय वन कवर करते हैं तो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को देखने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं उन सभी चीजों पर हम लोग वन बाय वन पर बात कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता कैसे है पहले उसकी बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज इन सॉल्यूशन बाय द स्टेप वाइज एडिशन ऑफ लिगेंड अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज coordination compound is formed in solution in solution form in solution by the by the stepwise addition, of, stepwise addition of stepwise addition of stepwise addition of ligand stepwise addition of ligand with metal atom. तो मेटल एटम के साथ लीगेंट वन बाय वन आर स्टेप बाय स्टेप ऐड होता है जिससे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है कैसे देखो जैसे हमने कहा प्लस एक एक आयन के साथ एक आया पहले तो क्या बन गया एम एल मेटल लीगेंड कॉम्प्लेक्स तो अगर कॉन्स्टेंट के वन लिखना है मुझे तो हाउ टू एक्सप्रेस आप ध्यान रखना जैसे हम लोग इक्वलिब्रियम में लिखते हैं एक्टिव मास ऑफ एमल बाय एक्टिव मास ऑफ एम इनटू एक्टिव मास ऑफ एल ठीक है अब अगर मान लो मेरे पास एम पहले से है एक लिगेंड और आया तो क्या हो जाएगा ये एम टू हो जाएगा तो हाउ टू एक्सप्रेस द कांस्टेंट के टू एम टू बाय एक्टिव ऑफ एम एल इंटू ऑफ एल अगर कांस्टेंट K3 लिखना है मुझे तो क्या हो गया देखिए एम एल टू प्लस लीगेंड एक और लीगेंड आ गया तो क्या हो जाएगा एम एल थ्री एंड कॉन्स्टेंट के थ्री थ्री अपॉन एक्टो मास ऑफ एम एल टू इन टू देयर मास द एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट इस तरीके से हम स्टेप वाइज स्टेप वाइज स्टेप मेटल एटम लिगेंड के साथ एडअप होता है ये ध्यान रखना है अब कांस्टेंट से क्या चीजें मिलेगी और क्या से हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स देखेंगे उसके बारे में बात करते हैं वन बाय वन तो देखना यहाँ पे क्या था के इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट के इज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के को हम क्या कहते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं के इज कॉल्ड स्टेबिलिटी कांस्टेंट और इसमें अब क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है नंबर वन हायर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट हायर द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स हायर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स हायर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट कहना चाहिए था मुझे हायर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट हायर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट हायर द स्टेबिलिटी हायर द स्टेबिलिटी हायर द स्टेबिलिटी तो जितना कॉन्स्टेंट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी हायर होगी हायर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हायर द स्टेबिलिटी हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ओके दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें इसको अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि कई बार क्या होता है कि समझ में नहीं आता कहाँ से क्या चीज़ निकल रही है इसलिए अच्छे से सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है ठीक हायर द चार्ज डेंसिटी हायर द चार्ज डेंसिटी हायर द चार्ज डेंसिटी हायर द चार्ज डेंसिटी हायर द स्टेबिलिटी हायर द स्टेबिलिटी हायर द चार्ज डेंसिटी हायर द स्टेबिलिटी जितना चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा मेटल आयन पर उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी हायर द चार्ज डेंसिटी हायर द स्टेबिलिटी ठीक है तीसरी बात मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर द इलेक्ट्रोनैगेटिविटी ऑफ मेटल मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल का नेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी भी उतना ज्यादा होगा मोर द नेगेटिविटी मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स अगली बात और क्या क्राइटेरिया यूज करते हैं हाय द ऑक्सीडेशन नंबर हायर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल हायर द स्टेबिलिटी हायर द स्टेबिलिटी तो ये सभी क्राइटेरिया यूज होंगे आपको स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने में ठीक है तो हायर द ऑक्सीडेशन नंबर हायर द स्टेबिलिटी ठीक है अब कुछ कॉम्प्लेक्सेस को देख लो जैसे हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स <coughs> ऑफ क्स ऑफ कोबोल्ट थ्री प्लस इज मोर स्टेबल मोर स्टेबल कोबोल्ट टू प्लस कॉम्प्लेक्स कोबोल्ट थ्री प्लस के जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो कोबोल्ट टू प्लस कॉम्प्लेक्स से मोर स्टेबल होंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर से चेक हो जाएगा ये अगर न्यूट्रल है तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखा हुआ ही मिलेगा जैसे मैंने कहा सी ओ एन एच थ्री फोल सिक्स थ्री प्लस कॉम्प्लेक्स मोर इज मोर स्टेबल इज मोर स्टेबल दैन मोर स्टेबल देन सीओ एन एच थ्री फोल सिक्स टू प्लस कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल दैन सीओ एन एच थ्री टू प्लस कॉम्प्लेक्स तो क्योंकि चार्ज नंबर ज़्यादा है इसलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी के थ्री एफ ई सी एन सिक्स के थ्री एफ ई सी एन सिक्स तो यहाँ पे आयरन का चार्ज कितना है थ्री प्लस मोर इज मोर स्टेबल दैन के फोर एफ ई सी एन सिक्स के थ्री एफ ई सी एन सिक्स कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल दैन के फोर एफ ई सी एन सिक्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आयरन कैसा है थ्री प्लस चार्ज वाला है यहाँ पे आयरन कैसा है टू प्लस चार्ज वाला है तो थ्री प्लस चार्ज वाला आयरन जो है वो टू प्लस चार्ज वाले आयरन से ज्यादा स्टेबल होगा ठीक है अगली बात साइनो एंड अमाइनो कॉम्प्लेक्सेस साइनो मतलब सी एन माइनस अमोनिया NH3 थ्री आर मोर स्टेबल देन more stable more stable than the complexes of than the complex of other ligands than complex of other ligands other ligands because because cn minus and ammonia are the स्ट्रॉन्ग लुइस बेस आर द स्ट्रॉन्ग लुइस बेस स्ट्रॉन्ग लुइस बेस मतलब लीगेंट जितना स्ट्रॉन्ग लुइस बेस होगा उससे बनने वाला कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा हायर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्पलेक्स बैंड लीगेंड इज द मोर स्ट्रोंगर तो लीगेंट जितना स्ट्रॉन्ग होगा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी ऑफ एम प्लस टू आई एन अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एम टू प्लस आई एन की बात करता हूँ तो जरा देखिए आयोनिक रेडियाई के बेस पे कैसे देखेंगे तो एम एन टू प्लस एम एन टू प्लस एफ ई टू प्लस एफ ई टू प्लस कोबोल्ट टू प्लस सभी को टू प्लस पर रखना है कोबोल्ट टू प्लस निकल टू प्लस निकल टू प्लस और कॉपर टू प्लस कॉम्प्लेक्सेस की अगर हम बात करते हैं तो जो साइज है आयोनिक रेडियाई है इनके आयोनिक रेडियाई आयोनिक रेडियाई की जो वैल्यू है पॉइंट नाइन वन पॉइंट नाइन वन पॉइंट एट थ्री पॉइंट एट टू पॉइंट सेवन एट और पॉइंट सिक्स नाइन तो आयोनिक रेडियाई क्या हो रहा है, पे जा रहा है. आयोनिक रेडियाई डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जाएगा तो प्लस टू की जो चार्ज डेंसिटी है वो बढ़ेगी मतलब और चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बढ़ जाएगा ठीक है उसके बाद एक और बात ध्यान रखना है लेट लेगेंट्स केलेट लेगेंट्स फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स केलेट लेगेंड हमेशा मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे मैंने कहा सी आर ई एन होल थ्राइस सी आर ई एन होल थ्राइस थ्री प्लस कॉम्प्लेक्स इसकी स्टेबिलिटी सी आर ई एन होल्ड टूवाइस सी आर ई एन होल टूवाइस एन एच थ्री थ्री प्लस कॉम्प्लेक्स से ज्यादा होगी क्योंकि यहां पर तीनों लीगेंट कैसे हैं बाईडेंटेट हैं और यहां पे क्या हुआ दो बाइडेंटेट हैं ठीक तो जैसे जैसे साइक्लिक लीगेंट का आया कॉम्प्लेक्स लिगेंड का नंबर कम होते जाएगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम होती जाएगी अभी देखिए अगला सीआर एनएच थ्री होल फोर एन एच थ्री होल फोर थ्री प्लस कॉम्प्लेक्स तो देर इज दैट वन इज मोर स्टेबल देन ई एन होल्ड टूवाइस देन ई एन कॉम्प्लेक्स अगेन लास्ट नंबर पर आ गया वो तो जैसे जैसे बाइडेंटेड या ऐसे लीगेंट जो साइट जो क्लेटिंग लीगेंट फॉर्म करते हैं जो क्लेटिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं उनका नंबर जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे क्या होती जाएगी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कम होती जाएगी और ये मोनोडेंटेड लीगेंट के कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा स्टेबल होंगे एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं जैसे इसके बाद सबसे लास्ट में आएगा सी आर एन एच थ्री होल सिक्स थ्री प्लस तो अगर मोनोडेंटेड लीगेंट का कॉम्प्लेक्स है तो उसकी स्टेबिलिटी इन सब में सबसे कम हो जाएगी तो देअर इज द सम क्राइटेरिया टू जस्टिफाई द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये कुछ क्राइटेरिया है जिससे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को जस्टिफाई करते हैं अब उसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो पहले भी हमने आपको यह सब चीजें बता दिया है लेकिन एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्डिनेशन कंपाउंड तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है सेपरेशन ऑफ नंबर वन सेपरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ एच जी टू प्लस एंड ए जी प्लस आयस सेपरेशन ऑफ ए जी टू प्लस एंड एच जी टू एच जी टू प्लस मर्क्यू रस एच जी एच जी टू प्लस देर इज मर्क्यू रस तो मर्क्यू रस है तो क्या हो जाएगा एच जी टू प्लस सेपरेशन ऑफ मर्क्यूरस एंड सिल्वर आयन तो क्या करते हैं इसके लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डाल देते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो ए जी सी एल को अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो क्या करेगा अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बना लेगा ठीक है इट ए जी एन एच थ्री होल्टवाइ ए जी NH3 एच थ्री Cl टूस सी एल कॉम्प्लेक्स सी एल कॉम्प्लेक्स प्लस टू वॉटर तो सिल्वर और मर्क्यूरी के कॉम्प्लेक्स अगर सिल्वर और मर्क्यूरस को अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स में डालते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डालते हैं तो दोनों क्या करते हैं अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्म कर लेते हैं और यहाँ पे ये सोलुबल वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा सोलुबल वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द कंपाउंड एच जी टू सी एल टू विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर मर्क्यूरस क्लोराइड को हम ट्रीट करते हैं तो एच जी एन एच टू सी एल एच जी एनएच टू सी एल बन जाएगा एच जी एन एच टू सी एल प्लस एच जी प्लस एच सी एल प्लस वॉटर बनने के लिए जगह है वाटर बन जाएगा प्लस वाटर और ये जो कंपाउंड है ये ब्लैक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है ब्लैक इन सोलूबल तो दोनों को सेपरेट करने में आसानी होगी एक इन है और एक सोलूबल है एक इनसोलूबल है एक सोलूबल है तो दोनों को सेपरेट करने में आसानी होगी अब ठीक है अगली बात इसी डिटेक्शन से ही रिलेटेड तो डिटेक्शन ऑफ कॉपर टू प्लस आई एन डिटेक्शन ऑफ डिटेक्शन ऑफ कॉपर टू प्लस आयन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सोल्यूशन से ट्रीट करके कॉपर टू प्लस आयन का डिटेक्शन करते हैं जहां पर वो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो सी यू आयन का डिटेक्शन कॉपर सल्फेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड फोर सी यू एन एच थ्री कॉम्प्लेक्स अमाइन कॉपर टू सल्फेट टेट्रा अमाइन कॉपर टू सल्फेट ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा यहाँ से ये इस कॉम्प्लेक्स को हम स्विटर्स रिएजेंट भी कहते हैं ये ध्यान रखना है ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होगा ड्यू टू ड्यू टू सी यू एन एच थ्री होल फोर टू प्लस कैटायन इस कैटायन के कारण ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है और इसको स्वेटजर्स रिएजेंट भी कहते हैं इट इज यूज टू डिजॉल्व द सेल्यूलोस तो पहला यूज हो गया डिटेक्शन और सेपरेशन एनालिसिस करने में एलिमेंट इंडिविजुअल सॉल्ट्स का एनालिसिस करने में ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक्निक का यूज किया जाता है इन द इन द सेपरेशन ऑफ कंपाउंड इन द डिटेक्शन ऑफ आयंस ये पहला यूज हो गया दूसरा यूज है मेटलर्जिकल ऑपरेशन में सेकेंड यूज इन मेटलर्जिकल ऑपरेशन मेटलर्जिकल ऑपरेशन Metallurgical operation. So, metallurgical operation specially for recovery of silver and gold. For recovery of silver and gold, the recovery of silver and gold is based on recovery of silver and gold is based on. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पर बेस होता है सिल्वर और गोल्ड का रिकवरी ठीक है सिल्वर सल्फाइड ए को चांदी में ले जाने के लिए देखो क्या क्या काम करते हैं पहले सोडियम साइनाइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसको डालते हैं तो सिल्वर सल्फाइड ए जी टू एस इज डिजॉल्व इन डाइल्यूट सोडियम साइनाइड सॉल्यूशन डाइल्यूट सोडियम साइनाइड सॉल्यूशन जहाँ से ये टुबाइस एन Ag सी एन होल्ड टोबाइस कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है सोडियम अर्जेंटो साइनाइड सोडियम अर्जेंटो साइनाइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी यूज होती है सिल्वर और कॉपर सिल्वर और गोल्ड के मेटलर्जिकल ऑपरेशन के समय अब अगला काम क्या करेंगे ऑक्सीडाइज NA2S. तो NA2S करके बाहर निकाल देंगे इन फॉर्म ऑफ एन ए टू एस ओ फोर एन ए टू एस ओ फोर के फॉर्म में इसको बाहर कर लेंगे ऑक्सीडाइज कर देंगे इसको क्योंकि अगर एन ए टू एस यहां पर रहेगा तो वापस से सिल्वर से रिएक्शन कर सकता है तो उस रिएक्शन को चेक करने के लिए सबसे पहले जो हम काम करते हैं भी पूछा भी गया है एक बार कि पहला काम आप क्या करोगे जिंक डाल करके सिल्वर को बाहर निकालोगे कि पहला काम आप ऑक्सीडाइज करके एन ए टू एस ओ फोर को बाहर निकालोगे तो पहला हमारा काम क्या होगा ऑक्सीडाइज करके एन ए टू एस ओ फोर को बाहर निकालना क्योंकि अगर सल्फर कंटेंट बचा रहेगा मिक्सर के अंदर तो वापस से सिल्वर के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एन के फॉर्म में सल्फर को बाहर हटा देंगे फिर इसके बाद जिंक मेटल के साथ इस कॉम्प्लेक्स को फिर से ट्रीट करेंगे एन ए सी एन फोल्ड टू वाइस NaAgCN फोल्ड टू वाइस सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड विथ जिंक तो यहां से जिंक जो है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है तो सिल्वर को उसके कॉम्प्लेक्स से डिस्प्लेस कर देगा और हम भी यही चाहते हैं एन ए टू जेड एन सी एन होल फोर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा दिस इज कॉल्ड सोडियम जिंको साइनाइड कॉम्प्लेक्स सोडियम जिंक को साइनाइड कॉम्प्लेक्स तो द टेक्निक यूज टू रिमूव द सिल्वर फ्रॉम सिल्वर सल्फाइड सिल्वर सल्फाइड से सिल्वर को रिमूव करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेक्निक यूज करते हैं तो देर इज़ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक्निक टू रिकवर द सिल्वर। इसी तरीके से गोल्ड के लिए भी हम यूज़ करते हैं तो गोल्ड वाला भी मैं आपको बता देता हूँ हालांकि मेटलर्जी में भी ये सब चीज़ें आएगी गोल्ड के लिए जो गोल्ड का कंटेंट होगा उसको प्योरीफाई करने के लिए उसको एन के अंदर सोडियम साइनाइड के अंदर डिप करेंगे और फिर ऑक्सीजन और वाटर से ट्रीट करेंगे तो ये आपको पहले गोल्ड का कॉम्प्लेक्स बना के देगा फोर एन एयू सी एन होल्ड टूवाइस फोर एन ए सी एन होल्ड टू कॉम्प्लेक्स दैट इज सोडियम डाइसाइनो और रेट वन सोडियम डाइसाइनो और रेट वन विन एच सोडियम डाइसाइनो और रेट वन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है सोडियम डाइसाइनो और रेट वन एन एय सी एन कॉम्प्लेक्स को जब फिर से हम जिंक मेटल के साथ हीट करेंगे तो जिंक इज अगेन मोर रिएक्टिव सिल्वर जिंक सिल्वर जिंक गोल्ड से ज्यादा रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस कर देगा और ये बन गया एन ए टू जेड एन सी एन होल फोर सोडियम जिंक को साइनाइड कॉम्प्लेक्स और गोल्ड बाहर रिकवर हो गया तो दिस टेक्निक जो पहले फोटोग्राफी होती थी उसमें भी इसको यूज करते थे तो फोटोग्राफी में देखे क्या यूज होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का तो यूज टू रिमूव यूज टू रिमूव

फोटोसेंसिटिव मटेरियल को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए हम हाइपो सल्यूशन यूज करते हैं वे वेर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल जो फोटोग्राफिक प्लेट पर लगा रहता है वो ए जी बी आर इट इज डिप्ड इन हाइपो सॉल्यूशन इट इज एन ए टू एस टू ओ थ्री डॉट फाइव वाटर एन ए टू एस टू ओ थ्री डॉट फाइव को हाइपो सल्यूशन कहते हैं और ये आपको एक कॉम्प्लेक्स बना के देगा एन ए थ्री ए जी एस टू ओ थ्री एस टू ओ थ्री वाइस एस टू ओ थ्री टू वाइस ठीक है और NaBr बी आर एन ए बी आर सोडियम अर्जेंटो थायो सल्फेट सोडियम अर्जेंटो अर्जेंटो थायो सल्फेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा जिससे फोटो सेंसिटिव मटेरियल जो एजी बी आर था उसका ए जी अलग हो गया और बी आर बाहर निकल गया तो देयर इज द सेपरेशन ऑफ फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स कंप्लीटली फ्रॉम फोटोग्राफिक प्लेट इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और जो चीजें मैंने आपको बताया जैसे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पूछेंगे तो हीमोग्लोबिन इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन क्लोरोफिल इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम विटामिन बी ट्वेल्व इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबोल्ट इसके बाद मेडिसिनल यूज में तो सिस्प्लाटिन मेडिसिनल यूज क्या है सिस्प्लाटिन एंटी कैंसर कैल्शियम ई डी टी ए इंजेक्शन आर यूज टू रिमूव द लैड पॉइजन कैल्शियम ई डी टी ए के इंजेक्शन का यूज लैड पॉइजन को रिमूव करने के लिए करते हैं और प्लांट ग्रोथ के लिए भी यहाँ पे मेटल्स की जरूरत पड़ती है आयरन जिंक कॉपर मैग्नीशियम मोलिवनम मैगनेस सारे मेटल्स जो है प्लांट ग्रोथ मतलब एग्रीकल्चर में भी यूज होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक्निक आयरन का आयरन और ईडीटीए का जो कॉम्प्लेक्स है आयरन ईडीटीए कॉम्प्लेक्स इज यूज टू इंक्रीज़ द परसेंटेज़ ऑफ़ आयरन आयरन इन द जब soil के अंदर का डेफिशिएंसी हो जाता है तो आयरन ईडीटीए यूज करते हैं अब बात कर लेते हैं कुछ देर ऑर्गेनो मेटालिक्स के बारे में तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होते हैं थोड़ा सा उनके बारे में बात करेंगे ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड तो वॉट आर द ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड क्या होते हैं कंपाउंड इन विच मेटल एटम इज बॉन्डेड विथ कार्बन नॉर्मली जो मेटल है वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं नॉर्मली मेटल्स क्या करते हैं आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं बट इन ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड मेटाइटम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ कार्बन ठीक है तो मेटल एटम कार्बन के साथ जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जैसे ग्रेगनार्ड रिएजेंट है आप लोग अच्छे से परिचित हैं इससे ठीक है और फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वॉज प्रिपेयर बाय फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक उंड वॉज प्रिपेयर बाय जिसे पहला ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड प्रिपेयर किया था जिसे ने और ये प्लैटिनम और इथाइलीन का कॉम्प्लेक्स था प्लैटिनम क्लोराइड और इथाइलीन का कॉम्प्लेक्स था ठीक है प्लैटिनम क्लोराइड और इथाइलीन का कॉम्प्लेक्स दैट इज पोटासियम क्लोरो प्लेटिनेट टू इथाइलीन 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 प्लैटिनम, इथाइलीन पोटासियम पोटासियम क्लोरो प्लैटिनेट टू तो फर्स्ट ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड किसने बनाया जिसे ने बनाया नाम क्या है इथाइली पोटासियम क्लोरो प्लाटिनेट टू क्लोरो प्लाटिनेट टू इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम बात करते हैं अभी थोड़ी देर में तो अब देखिए जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं वो क्या से हो सकते हैं तो पहली वैरायटी है इसकी सिग्मा बॉन्डेड सिग्मा बॉन्डेड क्लियर जिसमें मेटल एटम कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट होगा वो है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जैसे हम कहते हैं आर एम जी एक्स

एडवांस कंट्रीज आर यूजिंग ए के थर्टी थ्री एक्स ठीक है तो इस कंपाउंड का यूज एज एंटी नॉक करते थे टेट्रा मिथाइल टेट्रा मिथाइल सिलीकॉन टेट्रा मिथाइल सिलीकॉन तो दीज आर द सम सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड दिस इज क्लास ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड अब बात करते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड पाए बॉन्डेड ऑर्गेनो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड पाए बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड तो जिसे सॉल्ट जो है वो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड का एग्जांपल भी है ये ध्यान रखेंगे पीटी तो दिस इज अ पाई अडेड ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड ये एक पाई ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड का भी है सॉल्ट और ये स्ट्रक्चर जिस इज सॉल्ट का दिस इज द दिस सॉल्ट इट इज अ टाइप ऑफ पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड इट इज कंसिडर्ड दैट उडउड कंपाउंड ठीक है पा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इथाइलिन का शेयर कर रहा है एक बॉन्ड की जगह पर और दो कार्बन का ये कंपाउंड है तो इसको लिखेंगे कैसे तो देखो कॉम्प्लेक्स के हिसाब से इसको हम कैसे जमाएंगे जितने कार्बन रहते हैं उसको हम ईटा से डिनोट करते हैं तो के पी टी सी एल थ्री कैसे लिखते हैं इसको कभी पूछा तो ध्यान रखेंगे के पी टी सी एल थ्री दो कार्बन है तो ईटा टू दू सी टू एच फोर ईटा टू दू सी टू एच फोर दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस कंपाउंड इस कंपाउंड को हम इस तरीके से लिखेंगे अब अगले कंपाउंड की बात करते हैं आगे पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक्स के एग्जांपल हैं डाई बेंजीन क्रोमियम डाई बेंजीन क्रोमियम इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था क्रोमियम पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शेयर करके जुड़ा होता है ऐसा कंसीड करते हैं डाई बेंजीन क्रोमियम और डाई बेंजीन क्रोमियम इज कॉल्ड सैंडविच कंपाउंड इसको सैंडविच कंपाउंड भी कहते हैं डाई बेंजीन क्रोमियम इट इज ऑल्सो नोन एज सैंडविच कंपाउंड इसको सैंडविच कंपाउंड भी कहते हैं अब देखो दो बेंजीन रिंग है इसके पास ठीक है तो कैसे लिखोगे एक के पास छह कार्बन है क्रोमियम ईटा टू द सिक्स ठीक है सी सिक्स एच सिक्स होल्ड ट्वाइस सी सिक्स एच सिक्स होल्ड ट्वाइस इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करना है बेंजीन क्रोमियम इट इज अनादर ऑर्गेनोमेटालिक नेक्स्ट पाई बॉन्डेड का एग्जाम्पल फैरोसिन फैरोन भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है वे टू पेंटागॉन ंग विथ आयरन ठीक है हाउ टू राइट द कॉम्प्लेक्स फैरोन को क्या से लिखेंगे हम एफ इंटर टू दाइव सी फाइव एच फाइव होल्ड टुवाइस सी फाइव एच फाइव होल्ड टुवाइस सॉरी सी फाइव एच फाइव होल्ड टुवाइस सी फाइव एच फाइव का होल्ड ट्वाइस है तो सी फाइव एच फाइव Hold twice के बाद आएगा ये ब्रैकेट सी फाइव एच फाइव है तो देर इज तो ये कुछ पाए बात करते हैं सिग्मा, पाई सिग्मा और पाए दोनों बॉन्ड होगा सिग्मा पाए बॉन्डेड सिग्मा पाए बॉन्डेड और एग्जाम्पल में आ जाएगा Ni CO सीओ होल्ड फोर तो निकल और कार्बोनाइल के बीच निकल और कार्बोनाइल के बीच सिग्मा बॉन्ड होगा और कार्बोनाइल कैसा होता है सीओ तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड दोनों है सिग्मा भी है और पाई भी है तो देर इज सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक्स तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड बूथ आर प्रेजेंट इन NICO आई four and होल फोर five. So there is the sigma and pi bonded इज द सिग्मा एंड पाए बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड एंड दिस इज ऑल द इम्पोर्टेंट ये इस यूनिट से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर हमने बात किया अब बात करेंगे इसके बाद अगला यूनिट जो इन ऑर्गेनिक का है वो मेटलर्जी एंड मेटलॉर्जिकल ऑपरेशंस